नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में। वो कहते हैं ना कि हम तो उंगली पकड़ा रहे थे लेकिन तुम तो गले ही पड़ गए। विधायक योगराज, उसकी पत्नी रागिनी, कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइए देखते हैं ड्राइवर नेम साहब। कितने दिन बीत गए, इस तरह से आपको छुआ नहीं हमने। हर जगह ऐसे फुदक फुदक के घूमा करती हो, ऐसी हरकतें करती हो जैसे कल ही तुम्हारी शादी हुई हो। छोड़ो तो, जिसकी शादी को समय हो गया हो उस औरत के जज्बात नहीं होते क्या? हाँ होते हैं, लेकिन उसके जज्बात टकराने से सामने वाले के जज्बात भी तो जागने चाहिए ना। नहीं, अगर जज्बात नहीं जाग रहे हैं, मतलब बुरा मत मानिएगा, डॉक्टर को दिखा दीजिए, शायद वो इलाज के बाद फिर से आपके जज्बात। आज मैं बोल दे रहा हूँ, दोबारा मुंह खोलने से पहले सोचना, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। अब सुनिए। अरे छोड़ो छोड़ो। सुनिए तो। अरे रुकिए तो, सुनिए ना। अच्छा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ऐसे मत जाइए, प्लीज रुक जाइए ना। सुनिए ना, आज मालिक को कहीं मत लेके जाना। मालकिन, मुझे लगता है आज की रात मालिक शराब के साथ ही बिताएंगे। ये जो आप लोगों के बीच की दूरियां है ना, इसका कारण भी शराब ही है। इधर उधर क्या देख रही हो, थोड़ा पानी पी लो। विधायक जी कब तक आएंगे? अब पता नहीं कब आएंगे, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो आज आएंगे। अरे ये लो, साहब आ गए। विधायक जी 8 बजे बुलाया था आपने, 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कार्यालय के अंदर चलो। फाइल दिखाओ। विधायक जी 28 की हो गई है और इस साल नौकरी नहीं मिली तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन शिक्षक भर्ती में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हर प्रक्रिया इस क्रिया के बाद समाप्त हो जाएगी। प्लीज विधायक जी आप हमारा काम करवा दीजिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।
आ गए। मालकिन आप अंदर नहीं जा सकती हो, मालिक ने मना किया हुआ है अंदर भेजने से। हमें जाना है। नहीं मालकिन, आप समझ नहीं रही हैं। मालकिन, आप क्या मेरे कमरे में? किसी ने देख लिया तो आप जाइए यहां से, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम आपसे कुछ पूछने आए हैं, हमें उसका जवाब चाहिए। क्या संजय, कितनी औरतों के साथ तुम्हारे मालिक के रिश्ते हैं बताओ? हमें नहीं पता। एक औरत का दर्द तुम क्या समझोगे, जिसका पति उसके अलावा हर एक औरत को देख के उस पर फिदा हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे में हम क्या करें बताओ संजय, क्या करें हम? अपनी जान दे दे? नहीं मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? संजय सोचो, अगर तुम्हारे मालिक की तरह हम भी वैसा ही करने लगे तो उनको कैसा लगेगा? डरो नहीं, तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा जवान लड़का डरते हुए अच्छा नहीं लगता। मालकिन आज बहुत खुश नजर आ रही है ना? हाँ हाँ, है कोई वजह? मालकिन वजह कोई भी हो, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि आप जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराते रहे। अरे नाश्ता तो करके जाइए। नाश्ता फ्लैट में कर लूंगा, और हो सकता है मैं 3 दिनों में लौट आऊं, बस एक छोटा सा मामला है वो सेट हो जाए।
और हाँ, इस बार मैं सांसद के लिए चुनाव लड़ूंगा। ऑल द बेस्ट आपके सांसद के टिकट के लिए। हमारी मालकिन की हंसी तो मिर्जापुर की बारिश की जैसी है, या तो आती नहीं और आती है तो चिंता में पड़ जाती है। हम अभी आते हैं। संजय, तेरी गर्दन पे एक ऐसा निशान है। अरे कुछ नहीं मालिक, वो मच्छर बहुत ज्यादा हो गए ना, तो आज मैं मच्छर मारने वाली अगरबत्ती जला लूंगा। मालिक को उल्लू मत बनाओ, चक्कर चल रहा है। लड़की पटाया तूने? नहीं मालिक। सब पता है, चल गाड़ी चला। जी। मीना? जी मालकिन। मंजरी, रेशमा, माली, घर में जो भी काम करते हैं सबको बुलाओ। जैसा आप कहें मालकिन। मैं निकलता हूँ, जब साहब आएंगे तो आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ मजे करो। मीना जी मालकिन आओ। संजय आओ। मालकिन, वो घर के सारे नौकर कहाँ चले गए? इतना काम करते हैं, उन लोगों को भी तो छुट्टी चाहिए। और हाँ, तुम ना मुझे मालकिन नहीं, रागिनी कहा करो। इतने घबराए हुए क्यों रहते हो? तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी थी? जिस रात हम साथ में थे संजय, ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ। मालकिन, वो एक बार की बात अलग है, जो हो गया बस हो गया, किसी को पता चल गया तो। मैं हूं ना, और अब भी कहा ना, मालकिन नहीं रागिनी कहूं। कहो ना प्लीज, एक बार रागिनी।
ये तुम्हारे मालिक ना सिर्फ नाम के मालिक हैं, जो तुम में बात है वो उनमें नहीं है। उनकी जगह पर तुम्हें होना चाहिए था, सब तुम्हें मालिक कहकर बुलाते। बैठो। योगराज के कपड़े पहनकर एकदम विधायक लग रहे हो मिर्जापुर के। आज तुम्हारे मालिक आने वाले थे, कहीं वो तो नहीं आ गए? आज योगराज सिंह आने वाले थे। जल्दी से ये कपड़े चेंज करो और ये चेन वगैरह उतार के दे दो, जल्दी करो। जल्दी करो ना। अरे कहां मर गए सबके सब, कोई दिख नहीं रहा है। अरे हो क्या रहा है? अरे तुम जल्दी करो। जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा पति ही हो। वो जो भी हो जल्दी करो। ये लो मेरे कपड़े। कहां रागिनी? वीणा, अरे कोई तो सुनो। अरे दरवाजा। निकलो तुम जल्दी यहां से। अरे कोई दरवाजा खोलो। अरे आ सुबह सुबह ही आ गए। अरे चल क्या रहा है हा? सब के सब कहाँ गए? कोई दरवाजा खोलने नहीं आया? अरे वो मीना और रेशमा को कल छुट्टी चाहिए थी, अभी आते ही होंगे। आते ही आप गुस्सा मत कीजिए, आइए आप नाश्ता कीजिए। और बताइए आपकी दिल्ली की टूर अच्छी रही? अरे काम उनका छोड़ो। हाँ ये बताओ संजय कहाँ है? उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे वो एयरपोर्ट क्यों नहीं आया लेने के लिए मुझे? वो हाँ कल उसको बुखार था, शायद इसलिए नहीं आया होगा।
आप आइए नाश्ता कीजिए। और फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? और ऑन किया तो उठाया भी नहीं। नाराज हो हमसे? तुम जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। अरे बाप रे, गुस्सा तुम देखो कैसे नाक पे बैठा रहता है। कितने दिन हुए तुमसे मिले हुए, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। कब प्यार करोगे हमको? जैसा पहले करते थे। हमने कहा ना जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे कमरे में मत आना, और जो था भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ? कोई खेल तमाशा है? तुम खेल रहे थे मेरे साथ, यही समझ लो, और निकलो यहां से। नौकरानी हो इस घर की तुम, अपनी औकात मत भूलो। नौकरानी? और तुम क्या हो? मालिक हो? तुमको भी मालिक और मालकिन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना और बंद करना है। राजनीति में व्यस्तता के कारण ज्यादा समय मैं नहीं दे पाता था, लेकिन अब तुम्हारे लिए भी समय निकालना होगा। कोई बात नहीं, आप हमसे प्यार कीजिए, बस किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में मत आने दीजिए। बिल्कुल नहीं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। क्या है ये? देखो अपने हाथों से खोल के। कैसा लगा? इतना सुंदर हार आप हमारे लिए लाए? अरे दिल्ली गया था तो सिर्फ राजनीति करने के लिए ही नहीं, ये भी तो ध्यान रखना है कि घर पे एक सुंदर बीवी भी है। हाँ संजय, बताओ कैसे क्या हुआ? मालिक पूरा पांव मुड़ गया है, धरती पे भी नहीं रखा जा रहा। हमें नहीं लगता कि रेस पे रख पाएंगे। चेतन भैया तो ड्राइविंग जानते हैं, आज आप उनके साथ चले जाइए। दो तीन दिन में तो ठीक हो ही जाएगा। संजय ये पैसे रखो, आज ही डॉक्टर से दिखवा लेना और दवाई ले लेना। जी मालिक। और रेस्ट करो। जी मालिक। चेतन। जी विधायक जी। गाड़ी चला लेते हो? बिल्कुल। ठीक है, मीटिंग में जाना है, चलो फिर। ठीक है। जी मालिक। रेस्ट करो,
चलो। संजय यहां आना। जी मार्केट चलना है हमको, और हां कोई बहाना नहीं बनाना, क्योंकि हम जानते हैं तुमने झूठ बोला है मालिक से। तुम कार चला सकते हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे पांव में। ठीक है चलिए। बैठिए। दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा हम खोले? भगवान ने हाथ दिया है ना, तो खोल लो। फिर हमें भी नहीं जाना है मार्केट। अरे मालकिन सुनिए, तो बात तो सुनिए मालकिन, बात तो सुनिए मेरी, हमारी बात तो सुनिए। बहुत गुस्सा आ रहा है, प्यार नहीं करते हमसे। संजय जो था वो था, अब आगे के लिए सब कुछ भूल जाओ। अगर हम इससे आगे गए तो योगराज को सब कुछ पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम जानते हो कि तुम्हारे और मेरे साथ क्या होगा। तो इसमें इतना डरना क्यों? मैं इलाज करता हूं ना उसका, निपटा देते हैं योगराज को, और ऐसे मारेंगे कि किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। और उसके बाद उसकी पार्टी तुम्हें इलेक्शन लड़वा देगी उसकी टिकट पे। उसके बाद तुम बन जाना विधायक और हम बन जाएंगे तुम्हारे योगराज। क्यों, कैसा लगा? तुम किसी की जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? निकल जाए यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। और आगे से कभी मेरे पति के बारे में ऐसी वैसी बात बोली ना, तो हम ही तुझे निपटवा देंगे, समझा? मालकिन खाना तैयार है। दो दिन में 25 लाख का जुगाड़ कर लो। अगर 25 लाख नहीं मिले तो इस पार्सल के अंदर एक मोबाइल है, उसमें वीडियो देख लो, नहीं तो ये वीडियो योगराज के नंबर पे भी जा सकता है। मैं कहां से लाऊंगा 25 लाख?
ए? कहाँ जा रहे हो? वो मालकिन ने कुछ सामान मंगाया था, वही देने जा रहा हूँ। हमें नहीं पता ये किसने बनाया है, बस हो गया। अब ये बात बाहर आ जाएगी और 50 लाख रुपए मांग रहा है। देखो देखो रागनी, हम एक काम करते हैं, हम यहां से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। किसी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। हम दे देंगे 50 लाख, चाहे जैसे भी दे, पर ये वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए। और हाँ, उसके बाद तुम भी यहां से चले जाना, वरना ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। ठीक है। आज के बाद कोई धमकी या ब्लैकमेलिंग नहीं चाहिए हमको। ये आखिरी बार था। बस 2-4 दिन में तुम भी निकल लो। मालिक को बोल देना गांव जाना है। समझ गए? हिलना नहीं, कोई चालाकी मत करना। लाओ ये पैसे मुझे दे। अब धीरे से मेरी तरफ घूम जा। तुम? हाँ मैं। हम ही थे वो संजय।
और ये मेरा बेटा चिंटू है जो कि ड्राइवर है। 5,000 रुपए देता है इसको गाड़ी का मालिक, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी बड़े सेठ के यहाँ ड्राइवर बनकर रहे। तुम्हें ये सब करते हुए डर नहीं लगा? पता चल गया ना अब तुमको, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब मेरा बेटा ड्राइवर नहीं रहेगा, मैं उसको बस खरीद के दूंगी और वो बस का मालिक कहलाएगा, समझे? हेलो, हो गया काम? दे दिए पैसे? कौन था वो जिसने ये सब किया? अरे रागनी छोड़ो ना ये सब, अब वो वीडियो बाहर नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। हम प्यार करते हैं तुमसे, और तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारे पति किसी काम के नहीं है। हम तो है ना काम के। हाँ संजय, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हम साथ में नहीं रह सकते। जितना एंजॉय करना था हमने कर लिया, अब बस तुम गांव निकल जाओ अपने, समझे? चिट भी तेरी और पट भी तेरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मजा आता है मेरे साथ, मुझे भी आता है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बस। तुझे समझ नहीं आता? 50 लाख तक दे दिए ताकि ये वीडियो बाहर ना आए और हमारा नाम एक ड्राइवर के साथ ना जुड़े। हो क्या तुम? अपनी औकात में रह, तू एक ड्राइवर है और वही रहेगा, समझा? और अभी भी नहीं समझा ना, तो हम तुझको निपटवा देंगे। अगर योगराज को बोल दिया ना कि संजय ने हमारा पल्लू पकड़ा था, तो वो तुझे जिंदा दफना देगा। अब घर पे मेहमान आए हुए हैं, हम बार बार तेरा फोन नहीं उठा सकते, समझा? हेलो, गुप्ता जी, गोरखपुर सीट भूल जाइए। हाँ, सीतापुर सीट खाली है, उसका जुगाड़ हो जाएगा। विधायक जी, आप आगे बात चलाइए, मैं टिकट के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम पार्टी अध्यक्ष जी के कान में बात डालते हैं, काम हो जाएगा। I love you, रागनी। तुम हमारी जान हो। संजय, ज्यादा जोर से मत चिल्ला, वरना हार्ट अटैक आ जाएगा तुझे। योगराज, हमको अपना इंट्रोडक्शन करने दे। हम हैं इनके ड्राइवर संजय, और इनकी जो पत्नी है ना, योगराज की पत्नी, हमारा और इनका बहुत मस्त चल रहा है। है ना? क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूं, सच कह रहा हूं। शारीरिक संबंध है हमारे और इनके। कहो तो इसके जिस्म पे कितने तिल हैं वो गिनवा दूं? बंद कमरे में तो इसे हमारे साथ बहुत मजा आता है, लेकिन बाहर इसको एक ड्राइवर के साथ रिश्ता बनाने में शर्म आती है ना? इरफान फरामोश, छोड़, मेरी पत्नी के बारे में ऐसी घटिया इल्जाम बताते हो, इसके साथ ऐसी जंगली हरकत, आज तेरे सीने में सारा का सारा ईकल उतार दूंगा। यकीन नहीं आता तो देख, ये देख। तेरी इतनी हिम्मत क्यों?
छोड़ छोड़ मुझे छोड़ मारना तेरे बराबर खड़ा हूं तेरी आंखों में आंखें डाल के और मैं तेरे बराबर हूं आप मारना सम्मान ऊंच नीच अपने किसी नौकर को हीन भावना से देखना इस अवैध संबंध का ऐसे अंजाम तक पहुंचने का यही कारण था। रागिनी इस हत्याकांड की धुरी थी। मतलब के लिए बनाए गए रिश्ते हमेशा गुनाह के रास्तों तक जाते हैं। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प हैरत अंगेज। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.